नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज वनस्पति यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे कि आप इसको जानकर दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, परंतु आपने देखा जरूर होगा, यह देखकर आप पहचान जरूर जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, प्रकृति के खजाने में ऐसे अनमोल और बेहतरीन गुणों वाले पेड़ पौधे होते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती, जिसके कारण हम इसके लाभ नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इसकी जानकारी न होने के कारण हम इसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बेकार नहीं होते। इस पेड़ पौधे में वो ताकत होती है दोस्तों, जो हमारी ज़िंदगी को बदल देती है। तो आइए दोस्तों, ऐसी ही एक जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे। तो वो जड़ी बूटी का नाम है दोस्तों गुड़हल। तो दोस्तों, गुड़हल को इंग्लिश में हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं। दोस्तों, गुड़हल का फूल सेहत की अनेक समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। तो दोस्तों, जाबा कुसुम के नाम से भी पहचाने जाने वाले गुड़हल को हिबिस्कस को फ्लावर दिखने में बेहद खूबसूरत और औषधीय गुणों से भरपूर है। गुड़हल के उपयोग से न केवल अपच, बेचैनी, बुखार आदि समस्याएं होती हैं, बल्कि इसकी पत्तियां त्वचा की सेहत और आयरन की कमी को पूरा करने में बेहद मददगार होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे गुड़हल के फायदे के बारे में। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, किस प्रकार गुड़हल के उपयोग से अपनी सेहत को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, साथ ही हम जानेंगे कि गुड़हल का उपयोग सेहत के लिए लाभदायक है। दोस्तों, गुड़हल के जानेंगे फूल के फायदे के बारे में। दोस्तों, गुड़हल के उपयोग से सेहत की अनेक बीमारियों को दूर किया जा सकता है, साथ ही सेहत को स्वास्थ्य भी बनाया जा सकता है। तो पहला है दोस्तों, एंटी एजिंग के लिए गुड़हल। तो दोस्तों, बढ़ती उम्र को रोकने में गुड़हल बेहद मददगार है। इसकी पत्तियां उन महिलाओं के लिए किसी अमृत से कम नहीं हैं जो महिलाएं एंटी एजिंग की समस्या से परेशान हैं। बता दें कि शरीर की फ्री रेडिकल्स को हटाने में गुड़हल बेहद उपयोगी है। दोस्तों, इसका उपयोग न केवल उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करता है, बल्कि महिलाओं को खूबसूरत और जवा भी नज़र आती हैं। दोस्तों, दूसरा है एनीमिया के लिए गुड़हल काफ़ी मददगार है। दोस्तों, शरीर में एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। दोस्तों, एनीमिया यानी खून की कमी, ऐसे में जो लोग इस समस्या से परेशान हैं वे गुड़हल के फूल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दें कि गुड़हल के फूल के अंदर आयरन मौजूद होता है, जो एनीमिया से लड़ने में बेहद मददगार है। इसके लिए आपको गुड़हल के फूल की कलियों को पीसना होगा और रस को एक टाइट डिब्बे में बंद करके अपने पास रखना होगा। तो दोस्तों, अब इस रस का सेवन नियमित रूप से करना होगा। ऐसा करने से न केवल स्टेमिना बढ़ता है, बल्कि एनीमिया भी समस्या दूर होती है। दोस्तों, तीसरा है, वजन को कम करने में मददगार है गुड़हल। तो दोस्तों, जिन लोगों को बार बार भूख लगती है, उन्हें बता दें कि गुड़हल का सेवन करने से इस परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध भोजन का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, उन लोगों में वजन बढ़ाने की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय काफ़ी एंटी एजिंग होती है। दोस्तों, इसलिए जो व्यक्ति इसका सेवन करता है, उसे लंबे समय तक भूख नहीं लगती, साथ ही पाचन क्रिया भी सुधरती है। ये अनावश्यक चर्बी को दूर करता है और ये वजन को भी कम करने में साबित होता है। दोस्तों, चौथा है, इसका उच्च रक्तचाप के लिए गुड़हल काफ़ी मददगार है। तो दोस्तों, मतलब बीपी अगर बढ़ी हुई है, किसी को अगर बीपी बढ़ती है, तो इसके लिए गुड़हल काफ़ी फायदेमंद है। इससे बनी चाय न केवल हृदय की गति को सामान्य करती है, बल्कि व्यक्ति रिलैक्स महसूस करता है। एक बेहतर परिणाम पाने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से गुड़हल की चाय का सेवन करना चाहिए। दोस्तों,
पांचवा है इसका फ़ायदा, सर्दी और जुखाम को दूर कैसे करते हैं। दोस्तों बता दें कि गुड़हल की पत्तियों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो न केवल सर्दी को दूर करता है बल्कि जुखाम को दूर करने में बेहद उपयोगी है। गले को आराम पहुंचाने और शरीर में विटामिन सी का स्तर बढ़ाने में गुड़हल का एक अच्छा स्रोत है। ऐसे में आप गुड़हल की पत्तियों से बनी चाय का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। दोस्तों इसका छठवां है, त्वचा की समस्या को दूर करें कैसे। दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि गुड़हल के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वहीं यह एंटीऑक्सीडेंट के गुण से भी भरपूर है, जिससे न केवल चेहरे की झुर्रियां दूर होती हैं बल्कि दाग धब्बे मुहासे ठीक होते हैं। इसके उपयोग के लिए फूल को पानी में उबालें और पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में शहद मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से खुश्की खत्म होती है और चेहरे पर आई सूजन भी दूर होती है और चेहरा चमक उठता है। दोस्तों इसका सातवां बेनिफिट है, मासिक धर्म में बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करने में गुड़हल बेहद मददगार है। यह शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर समान रखती है। बता दें कि शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है तो हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं और मासिक धर्म के समय में उतार और चढ़ाव आते हैं। ऐसे में गुड़हल के पत्तों से बनी चाय मासिक धर्म की अनियमितता को और इसकी समस्या को दूर करने में उपयोगी है। दोस्तों गुड़हल के अन्य उपयोग और फायदे जान लीजिए। दोस्तों गुड़हल की चाय प्यास बुझाने के साथ साथ शरीर में एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है। दोस्तों कब्ज की समस्या को दूर करने और पाचन क्रिया को मजबूत करने में गुड़हल अच्छा उपाय है। दोस्तों किडनी की समस्या और डिप्रेशन को दूर करने में गुड़हल के पत्तों को चबाने से राहत मिलती है। दोस्तों अगर गुड़हल के पत्तों को चबाया जाए तो मुंह के छाले भी दूर होते हैं। दोस्तों जो लोग याददाश्त कम से परेशान हैं वे इस फूल को पीसकर बने पाउडर का सेवन दूध के साथ करें। ऐसा करने से याददाश्त बढ़ती है। दोस्तों बता दें जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं वह गुड़हल के उपयोग ना करें, हालांकि इसको लेकर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों लेकिन एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार इस अवधि के दौरान इसका सेवन से बचें। दोस्तों और बता दें दोस्तों अगर गुड़हल की चाय का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो इससे व्यक्ति को नींद ज़्यादा आने की संभावना रहती है, इसलिए इसकी मात्रा को सीमित रखें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।